आज मैं कच्चे चावल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे आराम से कभी भी बना के रेडी कर सकते हैं और आप इसे नाश्ते में खाएं या फिर बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही यमी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस कच्चे चावल से बनाना है और कुछ नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे 100 से 150 ग्राम चावल ले ली हूँ और इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी और अच्छे से ये फूल गया है। तो मैं एक मिक्सी का जार ले ली हूँ और मिक्सी के जार में ये फूला हुआ चावल सारा ऐड कर देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए आप इसे भिगो के रख सकते हैं या फिर 3 से 4 घंटे में ये अच्छे से फूल जाता है। तो मैं यहाँ पर रख दी थी 3 से 4 घंटे के लिए, अच्छे से फूल गया। तो सारे मैं चावल को रख दी हूँ मिक्सी के जार में और साथ में एक बाउल में ऐड कर रही हूँ सूजी। जिस बाउल से मैं चावल ली थी उसी बाउल से मैं सूजी ली हूँ और उसी बाउल से मैं लूँगी दही। यहाँ पे मैं ताज़ा दही ले रही हूँ जो कि खट्टा नहीं है, लेकिन आप खट्टा दही भी यूज कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी और भी बन जाता है। लेकिन मेरे पास खट्टा दही नहीं था तो इसलिए मैं ताज़ा दही ऐड कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेना है। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ऐड करना है जिसमें अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और ये लीजिए, सारा ये सूजी दही और चावल का अच्छा से एक प्यूरी बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा इसका पेस्ट बन के रेडी हुआ है। तो मैं एक ले ली हूँ बाउल और सारे बैटर को मैं इसमें रख ले रही हूँ। आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से मेजरमेंट कर ले सूजी दही और चावल का। मैं एक बराबर हर कुछ ली हूँ, चावल भी उतना ही ली हूँ, सूजी भी उतना ही ली हूँ और उतना ही ली हूँ दही। बस एक एक बाउल करीबन 100 से 150 ग्राम उस बाउल में आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा तो आप थोड़ा इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर दे, और अगर थोड़ा कम लगे, पतला लगे, तो आप इसमें मत ऐड करें। तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ नमक और 3 छोटी चम्मच यहाँ पे ऐड करूँगी चीनी। ये काफ़ी छोटा चम्मच है, आप चाहें तो बड़े चम्मच से सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऐड कर ले। चीनी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये खुद ही घुल जाता है। तो मैं इसे ढक के रख दे रही हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड में। और अब हो गए हैं 1 से 1.5 घंटा कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ पे चलती हूँ, आगे की प्रोसेस चालू रखती हूँ। और ये लीजिए, ये काफ़ी सेट हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है ये बेटर। तो पहले तो मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ। रेस्ट पे छोड़ने के बाद अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें गाढ़ा नहीं था तो मैं इसमें नहीं ऐड करी हूँ। और साथ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। और इनो यहाँ पे मैं पूरा ऐड कर रही हूँ लेमन फ्लेवर का, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और इनो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लेना है। ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, नहीं तो इसका बबल्स ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पर हल्के हाथ से थोड़ा सा करीबन 10 से 15 सेकेंड इसे चला ली हूँ और चलाने के बाद मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ और आगे की प्रोसेस चालू रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक केक कंटेनर और साथ में ही ले ली हूँ एक बटर पेपर। बटर पेपर को मैं कट कर ले रही हूँ नाप के, जितना बड़ा इसका साइज है। तो यहाँ पे मेरे पास केक कंटेनर था सर्कल शेप वाली, अगर आपके पास कोई और शेप वाली है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और ये लीजिए, बटर पेपर भी मैंने सर्कल शेप में कट करके इसमें रख दी हूँ। और रखने के बाद ऊपर से थोड़ा सा इसमें बटर या फिर घी लगा सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो आप किसी भी ब्रश की मदद से इसमें लगा लें या फिर हैंड की मदद से भी इसमें लगा सकते हैं। तो बटर पेपर पे लगने के बाद मैं थोड़ा सा साइड में भी लगा दी हूँ क्योंकि ये नाश्ता जब बनता है ना तो थोड़ा सा चिपक जाता है साइड में, तो अच्छे से निकल जाए इसके लिए मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। और ये लीजिए, सारा बटर मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर ले या फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड करके अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो बना सकते हैं, या फिर आपको वाइट ही चाहिए तो आप इस तरीके से वाइट ही रहने दे। और एक कढ़ाई में मैं 3 से 4 मिनट पहले पानी गर्म होने के लिए रख दी थी और यहाँ पे पानी गर्म हो गया है। तो मैं इसके ऊपर रखी थी स्टीम स्टेनर और ऊपर से मैं केक कंटेनर रख के मैं कढ़ाई का लीड लगा दी हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है कढ़ाई का ढक्कन, तो मैं इसे, हो सकता है कि मैं इसे चेंज कर लूँ, किसी और चीज़ में रख के इसे स्टीम कर लूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसमें मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चटपटा हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इस भगोने में रख के इसे स्टीम कर ली हूँ क्योंकि ये ढक नहीं पा रहा था कढ़ाई में। और मैं एक ले ली हूँ टूथपिक और टूथपिक इस तरीके से लगा के इसे चेक कर लेना है कि अच्छे से पका है कि नहीं। तो ये अच्छे से पक गया था तो मैं अब निकाल ले रही हूँ। और निकाल के लीजिए,
ये हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता बनके मेरा रेडी हो गया है। तो मैं पहले नाइफ़ की मदद से चारों तरफ से इसे कटिंग कर लूँगी, जो भी चिपका होगा अच्छे से ये छोड़ देगा, या फिर थोड़ी देर के लिए आप ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ये खुद ही छूट जाता है, लेकिन मैं गर्मा गर्म इसे सर्व करना चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसे कटिंग कर ले रही हूँ नाइफ़ की मदद से। और ये अच्छे से कट हो गया तो मैं अब इसे पलट ले रही हूँ। पलटने के बाद मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर ली हूँ और ये लीजिए आसानी से निकल के बाहर आ जाता है। तो अब मैं इस बटर पेपर को निकाल ले रही हूँ और ये लीजिए बटर पेपर भी निकल गया, यहाँ पे ये चिपक गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बटर लगा ले ताकि ना चिपके। और ये लीजिए अब मैं यहाँ पे इसे पलट के इसे नाइफ़ की मदद से कटिंग कर ले, या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। और ये इतना ज़्यादा स्पंजी बनके रेडी हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा स्पंजी बना है, काफ़ी स्पंजी भी है और टेस्टी तो इतना ज़्यादा होगा कि आप एक बार इसे बना के ट्राई करके ही पता चल सकता है आपको कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी हुआ है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि एक से दो बार तो हफ्ते में ज़रूर खाएंगे कम से कम। आप इसे बच्चे को भी आराम से दे सकते हैं लंच में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बच्चे भी इसे फिनिश करके आएंगे। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये देखिए काफ़ी दानेदार ये बनके रेडी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्पंजी हुआ है। और आप इसे व्हाइट ढोकला भी कह सकते हैं, काफ़ी ढोकला वाली फ्लेवर थोड़ा सा आ जाता है इसमें। तो आप इसे जैसे सर्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं, किसी भी गेस्ट को खिला सकते हैं। अगर उनको बताते कि ये कच्चे चावल से रेडी हुआ है नाश्ता, वो यकीन नहीं करेंगे कि कच्चे चावल का इतना टेस्टी नाश्ता कैसे हो सकता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और जब भी ट्राई कीजिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, सांभर, नारियल चटनी, मूंगफली चटनी, या फिर केचप सॉस, ग्रीन चटनी, आप किसी के साथ आप सर्व कीजिए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और जब भी ट्राई कीजिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।